नमस्कार साथियों। साथियों, भारत देश की राजनीति बदल चुकी है, इस देश का सियासत बदल रहा है। भारत में राजनीतिक घटनाक्रम इस भारत देश के चुनाव के साथ तमाम नियम कायदों को बदल चुके हैं। राजनीतिक तौर पर अक्सर इस बात को सुना जाता था, हर कालखंड के भीतर चाहे देश का प्रधानमंत्री कोई भी रहा हो, लेकिन विपक्ष अक्सर इस बात का खुलेआम जिक्र किया करता था कि सत्ता में आएंगे तो आपके खिलाफ व्हाइट पेपर ले आएंगे, सत्ता में आएंगे तो उसके बाद आपको छोड़ेंगे नहीं, राजनीतिक तौर पर आपने जो कुछ भी काम किया है उसका पूरा कच्चा चिट्ठा सत्ता में आने के बाद इस भारत देश की जनता के सामने रख देंगे। और यह परिस्थिति हर कालखंड के भीतर रहा है, हर प्रधानमंत्री के दौर में रहा है। लेकिन जब नियम ही बदल गए, जब राजनीति के तौर तरीके बदल गए, तो इस दौर में सत्ता ही विपक्ष को यह बात कहने लगा है कि हमें अगर आप सत्ता से उखाड़ने की अगर आपने सोचा भी है तो अब आपको बख्शेंगे नहीं। राजनीतिक तौर पर यह पहला नियम है, जब सत्ता विपक्ष को डरा रहा हो और सामने देश का चुनाव खड़ा हो। 2 महीने से भी कम का समय बचा है जब इलेक्शन कमीशन 2024 का लोकसभा चुनाव का नोटिफिकेशन जारी कर देगी, लेकिन उससे पहले इस देश में सत्ता की घबराहट कैसे हो सकती है और विपक्ष के भीतर कितनी मोटी मोटी रेखाएं दरारें के तौर पर इस समय में उभरने लगी है, सब कुछ हर किसी के सामने है। और ऐसे में अगर सत्ता एक एक करके खुला ऑफर या खुली डील या फिर ये कहे राजनीति सियासत को साधने के लिए अपने अनुकूल इस दौर में कोई नई परिभाषा अगर बनाने लगी हो तो हो सकता है कि आप इस बात से हैरान हो जाएंगे। सियासी तौर पर ऐसा सत्ता और विपक्ष के भीतर कभी होता नहीं था। 2 कारण हो सकती है जिन बातों का जिक्र हम आपसे करने वाले हैं कि पहली ये बात कि विपक्ष के भीतर यह महसूस अब होने लगा हो कि दरअसल अब सत्ता के भीतर हम आ नहीं पाएंगे और सत्ता में आएंगे नहीं तो फिर ऐसे में सत्ता से टकराएंगे। और दूसरी ओर सत्ता के भीतर यह भी अनुभव हो सकता है कि पता नहीं इस दौर में जनता अपना वोट किसको दे डाले ये आखिरी मौके पर, और कहीं ऐसा ना हो जाए कि देश की जनता ही सत्ता के खिलाफ वोट देती हुई नजर देश में आने लगे, यानी विपक्ष कोई मायने ना रखता हो लेकिन विपक्ष चुनाव जीत जाए। ऐसे में सत्ता के मुट्ठी में इस दौर में हर वो ताकतवर संस्थान है, हर वह ताकतवर परिस्थितियां हैं जिसको डिगा पाने की स्थिति में विपक्ष नहीं है। और यही वह कारण है कि विपक्ष अगर एकजुट होता है तो सत्ता के लिए ये खतरे की घंटी कोई आज से नहीं है। ये बीते करीब 2 वर्षों से लगातार चल रहा है कि विपक्ष को एकजुट होने नहीं देना है। और यही भी हर किसी को इस भारत देश के भीतर पता है, जो सत्ता में रहता है वो करप्ट हो ही जाता है, जो सत्ता के भीतर रहता है उसके पीछे इतनी पूंजी लगी रहती है कि सत्ता में आने के बाद और सत्ता से निकलने के बाद दोनों परिस्थितियों के भीतर उस अर्थशास्त्र को ही उसको संभालना पड़ता है। बात इतना ही तक नहीं है, इससे आगे की बात करते हैं। एक एक करके परिस्थितियों को जरा आप समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि राजनीतिक तौर पर विपक्ष के 4 बड़े पिलर, उसमें सबसे बड़े पिलर के तौर पर बिहार के नीतीश कुमार थे इंडिया गठबंधन में, वह डिग चुके हैं। दूसरे पिलर के तौर पर ममता बनर्जी थी इंडिया गठबंधन में, ममता बनर्जी हैं, ये थी और हैं के बीच में उनके बीच भी खुला ऑफर इस दौर में। तीसरे नंबर पर इस भारत देश के भीतर जो इस दौर में खड़े हैं उसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, आम आदमी पार्टी के नेता। उसके अगली कड़ी के तौर पर महाराष्ट्र के भीतर शरद पवार, जिनके भतीजे से लगातार इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट पूछताछ कर रही है ईडी, और वह खुद कोऑपरेटिव घोटाले के भीतर फंसे हुए हैं जिसका जिक्र सीबीआई और ईडी दोनों कई मौके पर कर चुकी है। और सरकार भी बार बार इशारा देती रहती है कि बताइए फाइल कब खोली जाए आपकी। और उसके बाद जो है बिहार के कल तक रहे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव के बेटा, सियासी तौर पर सोरेन ने ताकत दिखा दिया, इसलिए ताकत दिखा दी क्योंकि उनको यह बात पता है कि वह आदिवासी समुदाय से आते हैं और आदिवासी समुदाय के वोट उनके खिलाफ कभी जा नहीं सकती है, क्योंकि उनके पिता शिबू सोरेन क्या, उनका महत्व झारखंड के भीतर ना सिर्फ राजनीतिक तौर पर है बल्कि सामाजिक सांस्कृतिक तौर पर भी है। तो शिबू सोरेन
के बेटे हेमंत सोरेन डामाडोल नहीं हुए और आदिवासी समुदाय भारत देश के भीतर में अभी भी एकजुट है और सियासी तौर पर प्रताड़ना किसी आदिवासी को अगर दी गई यह सोच करके आदिवासी समुदाय के भीतर अलग अलग प्रांतों के भीतर अलग अलग राज्यों के भीतर करंट की तरफ बात दौड़ते चली जाती है तो दो तीन बातें सामने आती हैं। नीतीश कुमार ढहढहा करके गिर गए जिसका जिक्र हर किसी ने कर दिया। हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री खड़े हो गए जिसका जिक्र अभी खुले तौर पे हो रहा है और राज्यपाल को भी झुकना पड़ा जब आज उन्होंने हेमंत सोरेन के बदले जब चंपई सोरेन है उन्हें झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी। सोमवार तक वह शपथ ग्रहण के बाद अब वहां पर अपने बहुमत को भी साबित कर देंगे और उसके बाद सरकार वहां से चलाएंगे। अब अगला सवाल होता है कि इस दौर में बाकी जो चार पिलर जिसका हम आपके साथ बात किए ममता बनर्जी तेजस्वी यादव अरविंद केजरीवाल और शरद पवार इनके सामने कोई ऑफर है इनके लेकर के भी कोई डील है या इनके आसपास का जो पूरा सिकंजा है वह इतना कड़ा कर दिया कस दिया गया है कि सियासी तौर पर ऑफर को ठुकराने का मतलब इनको जेल यात्रा होगा और जेल यात्रा इसलिए भी क्योंकि इस दौर में जो करप्शन के चार्जेस सीबीआई और ईडी के फाइलों में कैद है वो फाइलें कहीं दूसरी जगह नहीं सुप्रीम कोर्ट के भीतर भी नाम के साथ जब सौंपी जा चुकी हो तो ऐसे में सत्ता के सामने जैसे ही डराएगा कि वह हार नहीं जाए तो ऐसे में वह सौदेबाजी कर लेगी और उसी शक्ल में करेगी जहां पर वह अगर आपने सोचा भी तो आपको जेल में डाल देंगे। कोई भी इस दौर में कह सकता है ममता बनर्जी को जेल में कौन डाल सकता है लेकिन ममता बनर्जी के तीखे स्वर के पीछे का संवाद क्या होता है क्या सच में दिल्ली से जो डील होती है वो हो गई है और उनको डर अपने डेढ़ दर्जन विधायक और सांसद और मंत्रियों भर का नहीं है बल्कि उनके अपने घर के भीतर भी मुश्किल हालात पड़ा हुआ है। अभिषेक बनर्जी के खिलाफ दो बड़े मामले सबूतों के साथ ईडी के फाइल में दर्ज है उसके भीतर एक धन का मामला होता है एक नियुक्तियों का मामला होता है एक खनन का एक नियुक्तियों का तो एक डील ये इस हद तक जा चुकी है कि आपको किसी भी हालत में कांग्रेस के साथ कोई भी समझौता नहीं करना है और ढाल के तौर पर अगर समझौता अगर आपको नहीं करना है तो फिर लेफ्ट को क्यों नहीं साथ खड़ा कर ले और हुआ कुछ यही या उसी दिशा में यह डील आगे बढ़ गई है। लेफ्ट के साथ कांग्रेस खड़ी है जो पिछले चुनाव के भीतर भी खड़ी थी और पश्चिम बंगाल के भीतर अगर त्रिकोणीय मुकाबला अगर होता है तो फिर भारतीय जनता पार्टी दूसरी बड़ी राजनीतिक पार्टी के तौर पर विधानसभा और लोकसभा दोनों जगह अगर स्थापित हो चली है तो इस बार तो उसको 20 सीट पाने से कोई रोक ही नहीं सकता। इसीलिए ममता बनर्जी जब ये बात कहती है कि दो से ज्यादा सीट नहीं और यह भी अब इस दौर में कहने लगी कि कांग्रेस 40 सीट भी जीत नहीं पाएगी तो संदेश बहुत साफ होता है। सियासी तौर पर जिस इंडिया गठबंधन या फिर कहे जिस विपक्ष की एकजुटता को लेकर के जो कुछ भी सवाल लगातार एक साल से खड़े किया जा रहा था देश में अब उस पूरे पिलर को ढहाने के लिए ममता बनर्जी तैयार। तो क्या इस बात को मान लिया जाए कि ममता बनर्जी ने दरअसल इंडिया को धोखा दे दिया या कांग्रेस को धोखा दे दिया इसके भी दो अलग अलग पहलू हैं। पहला पहलू यह होता है कि हाँ ऐसा लगता है कि धोखा दे दिया ममता बनर्जी ने। दूसरा बात यह होता है कि लगता है कि जब सत्ता के भीतर आ ही नहीं पाएंगे तो सत्ता से आमने सामने टकराने की जरूरत ही क्या है। यानी ये कहे राजनीति अपनी साधनी है तो पश्चिम बंगाल के भीतर साधिए। अगर अपनी राजनीति को साधने के लिए कांग्रेस के वोट बैंक को अगर अपने साथ ले लीजिए यानी उस वोट बैंक के सामने एक चुनौती तो पैदा होगी। वह किसे वोट दे वो बीजेपी को तो वोट देगा नहीं तो ममता बनर्जी को दे दे और दूसरी ओर अपने कुनबे को भी बचा लीजिए यानी जो अपराधों की पूरी लिस्ट है इस दौर में जो दिल्ली दरबार में लगातार जोड़ती चली गई है और सीबीआई और ईडी अपने तौर पर फाइलों को समेटे हुए है तो क्यों नहीं समझौता कर लिया जाए। इसीलिए ममता बनर्जी के तेवर एक ही झटके में तीखे हो जाते हैं और आज खास तौर पर तीखे हो गए जब उन्होंने कहा पता नहीं ये 40 सीट भी कांग्रेस जीत पाएगी या नहीं या कांग्रेस अहंकार के साथ आगे बढ़ती है। इन बातों का जिक्र आज ही क्यों किया जा रहा है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज पश्चिम बंगाल से निकलकर झारखंड में जा रही है। झारखंड के पारपुर में पहुंची है वहां पर संथाल परगना का इलाका ये पड़ता है आदिवासी का क्षेत्र पड़ता है और इस आदिवासी बहुल क्षेत्र में नई चुनी हुई सरकार चंपई सोरेन अगर इस बात को ऐलान करते हैं कि हम इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ चलेंगे
भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ खड़े हैं, तो पहला संदेश साफ तौर पे होता है कि पश्चिम बंगाल अब जो है इंडिया गठबंधन से बाहर। पहला संदेश बहुत साफ जाता है कि समझौता अब पश्चिम बंगाल के भीतर सीटों का कांग्रेस लेफ्ट और ममता बनर्जी के बीच असंभव ही नहीं नामुमकिन सा हो गया है, और उसके ऊपर मुहर लग गई है कि यह दरवाजा बंद है। और वहीं दूसरी ओर आदिवासियों के बीच से खड़े हेमंत सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो आदिवासियों के वोट के सहारे खड़ी है, और उसके भीतर अगर अब कांग्रेस का तड़का लग जाता है तो सियासी तौर पर जीत तय है। उनको झुकाना चाहे वह नहीं झुके, बात आगे की होती है, क्योंकि अगली बात बिहार के भीतर टिकी हुई नीतीश कुमार तो फिसल चुके हैं। क्या तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव के बेटा नहीं चाहेंगे कि परिवार का कोई सदस्य जेल ना जाए? तो क्या उनके सामने भी इसी तरह का कोई डील होगा? एक तरफ हुआ खामोशी के साथ जेल न जाने की परिस्थितियों में खड़े हो, और वहीं दूसरी ओर कांग्रेस को बिहार के भीतर ज्यादा सीट कतई नहीं। यानी इस दौर में कांग्रेस मनोवैज्ञानिक तरीके से अगर इस भारत देश के भीतर प्रमुख विपक्षी दल के तौर पर आगे बढ़ने लगती है या फिर खड़ी होने लगती है, तो सवाल बिहार भर का नहीं है, सवाल तो उन 199 सीटों का होगा जहां पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने होगी 2024 के लोकसभा चुनाव में। अगर गठबंधन के जहां शासित राज्यों में अगर कांग्रेस को अगर इंडिया के सहयोगी अगर महत्व देने लगेंगे तो फिर उसका अपना मनोबल बढ़ जाएगा और जनता के बीच संदेश एक चला जाएगा कि हाँ, इस भारत देश के भीतर भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस टकरा सकती है। इसी संदेश को नहीं देने देना है आम जनता के भीतर, और इसी के दायरे में बिहार के तेजस्वी यादव भी आते हैं, इसी के दायरे में उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव भी आते हैं। अखिलेश यादव की खामोशी या अखिलेश यादव का सीटों का ऐलान को लेकर पग पग आगे बढ़ना, यह सियासी तौर पर समाजवादी पार्टी के अनुकूल है, लेकिन राजनीतिक तौर पर 2024 के चुनाव के मद्देनजर जब कांग्रेस निकल पड़ी है सड़क पर चलते हुए अपनी राजनीति को साधने के लिए, उस समय कांग्रेस एक छोटे भाई के तर्ज पर अगर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में अगर देख ले तो तेजस्वी यादव को भी ऑफर है कि आप भी उस ऑफर को समझ लीजिए, आप भी उसको छोटे भाई के तर्ज पर ही लीजिए, ज्यादा सीट मत दीजिए, क्योंकि यह नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी के लिए हानिकारक है। तो दूसरा समझौता तेजस्वी यादव के साथ या डरा धमका करके ऐसी परिस्थिति जो खड़ी की गई है, अगर आरजेडी की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के सामने कभी समर्थन खड़ी हो ही नहीं सकती जिस तरह से ममता बनर्जी जा सकती है। लेकिन सवाल उठता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के गले की फांस जो है दिल्ली की सत्ता के लिए न बने तो उसको अपने डील तो पक्की करनी होगी, चाहे वो सियासी तौर पर हो, चाहे वह तमाम नियम कायदे को बदलने के तौर पर हो। लेकिन बहुत कहते हैं ना, महत्वपूर्ण और परिस्थिति अनुकूल दिल्ली का सवाल होता है, जहां पर अरविंद केजरीवाल, जहां पर कांग्रेस और केजरीवाल के भीतर पंजाब के भीतर समझौता नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए, इस बात का हर कोई जिक्र किया है। पंजाब के भीतर विपक्ष के तौर पर भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत ताकत है नहीं, अकालियों के पास वो ताकत बची हुई नहीं है। अकाली और भारतीय जनता पार्टी अगर साथ खड़े हो जाते हैं पंजाब के भीतर, लेकिन वर्तमान समय में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सत्ता और विपक्ष की भूमिका में दिख रहे हैं, तो अगर दोनों साथ हो जाएंगे तो ऐसे में कोई तीसरे राजनीतिक दल यानी भारतीय जनता पार्टी और अकाली को जगह दे देंगे, यह बात वहीं तक सिमट जाती है। लेकिन सवाल तो दिल्ली की 7 लोकसभा की सीटों का। हालांकि इस दौर में केजरीवाल ने ऐलान किया वो अपने बूते हरियाणा में चुनाव लड़ेंगे, अपने बूते उत्तराखंड में चुनाव लड़ेंगे, अपने बूते गुजरात में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सवाल पंजाब और दिल्ली होता है। उसके भीतर भी खासतौर पर दिल्ली के लोकसभा चुनाव के भीतर भारतीय जनता पार्टी के बाद दूसरे नंबर पर कांग्रेस, और इस दौर में कांग्रेस खुद को प्रमुख पार्टी के तौर पर लगातार आगे बढ़ाती रही है। और मान भी लिया गया कि दिल्ली की 7 सीटों को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में समझौता हो गया, 4 सीट पे कांग्रेस, 3 सीट पर अरविंद केजरीवाल, वही ऐसा समझा गया। और इस पूरे मानने समझने की प्रक्रिया के भीतर का एक और सच ये भी होता है कि क्या यह सारा समझौता लंबे समय तक चलेगा, यानी उसकी उम्र अगले 2 महीने तक रहेगी या नहीं रहेगी। केजरीवाल से सौदा बहुत साफ, राजनीतिक तौर पर कांग्रेस के साथ खड़े होकर दिल्ली के भीतर आप कांग्रेस को जीतने मत दीजिए।
तो आपकी अपनी राजनीति कांग्रेस के वोट बैंक को आपके साथ लाने की रही है। यानी इस दौर के भीतर भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक और केजरीवाल के वोट बैंक आपस में टकराता हुआ और एक साथ खड़ा होता हुआ दिखाई भी देता है, लेकिन दिल्ली का समझौता क्या आखिरी समय में टूट जाएगा? अन्यथा ईडी तो फाइल लेकर के खड़ी है, पांचवा नोटिस भेज चुकी है, और इस पांचवें नोटिस के जरिए यह संदेश बहुत साफ होता है कि आप भी जेल में होंगे, और आपके जो तमाम कद्दावर नेता हैं, जब वह अगर जेल में है और परसेप्शन यही बन जाता है कि आम आदमी पार्टी ने शराब नीति के मद्देनजर गड़बड़ी तो कुछ की है और राजनीतिक तौर पर कांग्रेस भी आप पर भरोसा उस रूप में करती ही नहीं है, तो फिर आप कांग्रेस के भरोसा क्यों करें कांग्रेस? ऑफर और डील बहुत साफ होता है, दिल्ली की 7 सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय होना चाहिए, वहां समझौता होना नहीं चाहिए। तो यह तो अभी समय की बात है, क्योंकि धीरे धीरे अगर दिल्ली की राजनीति को अगर समझना शुरू करे तो दिल्ली के भीतर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का दिल्ली आकर के अरविंद केजरीवाल के साथ मैदान में प्रदर्शन में कूद जाना, यह केवल चंडीगढ़ का खेल भर नहीं है, राजनीतिक तौर पर दिल्ली के भीतर भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष के तौर पर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ही हैं, यह कांग्रेस से बड़े कद के नेता के तौर पर है, यह भी बात दिखाने बताने समझाने की लड़ाई शुरू हो चुकी है। तो क्या आपस में कोई तालमेल है? राजनीतिक तौर पर क्या यह ऑफर इस बात के दिशा में आगे ले जाता है कि कौन किसको किस मौके पर किस तरह से खड़ा किया करेगा? और 2024 के लोकसभा चुनाव जब पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी तो उसके बाद की राजनीति उसके बाद समझेंगे, लेकिन अभी या तो आप जेल चले जाइए या फिर आप हमारी रणनीति के सहारे खड़े हो जाइए, उसके भीतर हम आपके मदद करेंगे, क्या ये बात तो नहीं होता? कांग्रेस के भीतर इस बात को लेकर फुसफुसाहट काफी तेज हो गई है, कहीं अरविंद केजरीवाल और भारतीय जनता पार्टी ये खेल आपस में मिला जुला खेल कहीं कांग्रेस के पूरी की पूरी राजनीतिक जमीन को खत्म करने की दिशा में तो आगे नहीं बढ़ रही? ये चिंतन कांग्रेस के भीतर से होता है, लेकिन अगले पिलर के तरफ महाराष्ट्र की राजनीति भी काफी अपने आप में रोमांच भरती है। वहां पर शिवसेना से सब कुछ छीना जा चुका है। अब सवाल उठता है शरद पवार का। शरद पवार की राजनीतिक पार्टी का नाम एनसीपी है, उनके चुनाव चिन्ह इस घड़ी उसको भी छीनना है, क्योंकि वोटर सामान्य तौर पर चुनाव चिन्ह को पहचानता है, जो कि कम से कम 10 साल उसके मन में कहीं कहीं डालने में लगते हैं, उसके बाद कोई पुराना नेता कोई नई पार्टी के साथ नए चुनाव चिन्ह के साथ अगर आ जाए तो जैसे लगता है कि वो इंडिपेंडेंट लड़ रहा हो, और यही परिस्थिति और यही प्रयोग जो है सियासी तौर पर एनसीपी को लेकर के महाराष्ट्र के भीतर होनी है। महाराष्ट्र की राजनीति के भीतर इस समय शरद पवार के भतीजे रोहित पवार से कल 8 घंटे तक ईडी ने पूछताछ किया है, और लगातार इस बात का जिक्र सुप्रिया सुनीत और शरद पवार की जी की जो बेटी है वो कहती भी है कि राजनीतिक तौर पर हम झुकने को तैयार नहीं, लेकिन सवाल राजनीतिक तौर पर यहां झुकने भर का नहीं है, यहां पर तो जो फैसला आने वाला है उस फैसले को मानने का है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने तारीख बढ़ा दिया है, वो फैसला आ जाना चाहिए था 31 जनवरी तक ही, जो कि एनसीपी के चुनाव चिन्ह और पार्टी अजीत पवार की है या शरद पवार की है उसको लेकर के फैसला होना था। यहां पर अजीत पवार की जीत हो और शरद पवार के हाथ में कुछ भी ना बचे, राजनीति का यह पूरा रंग सत्ता की सहमति के साथ हो सकता है और यह ऑफर और डील के दिशा में आ सकता है, यह भी शायद वर्तमान राजनीति का एक अटूट सत्य सा बन गया है। राजनीतिक तौर पर सच में इससे पहले ऐसा कभी नहीं होता था, यानी ये कहे राजनीति कभी इस दिशा में आगे नहीं गई तो विपक्ष को यह बात कहे कि आप हमारे को सत्ता में बनाए रखने के लिए या हमें सत्ता में बने रहेंगे इस बात के लिए ये सारी चीज हमारी रणनीति है, ये इस पूरा कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के तहत आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। सामान्य तौर पर वही सारे नियम है जहां पर विपक्ष इस बात को कहता था एक बार सत्ता में अगर आ गए तो उसके बाद आपका कच्चा चिट्ठा इस भारत देश के आम जनता के सामने रख देंगे कि आपने क्या किस क्या कुछ गड़बड़ी किया, किस तरीके से इस भारत देश में इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए गड़बड़ी की है, हुआ तो यह भी बता देंगे कि ईवीएम कैसे चलती थी। जी हाँ, और इस देश की तमाम नीतियां चाहे पब्लिक सेक्टर को बेचना हो, चाहे इकोनॉमी डामाडोल हो, चाहे इस भारत देश के सोशल फैब्रिक्स तोड़े जा चुके हो, चाहे इस भारत देश में फेडरलिज्म गायब ही कर दिया गया हो, चाहे स्टेट को पैसा न देने की परिस्थिति में राज्य दर राज्य कर्जा में
डूबता जाता हो और आप खुद भी कर्ज में डूबे हुए किस प्रकार से हो, यानी एक ड्रिल्ड इकोनॉमी का पूरा चेहरा भी एक व्हाइट पेपर के शक्ल में देश में ले आएंगे, देश की जनता के सामने अगर चुनाव जीत गए तो। लेकिन यहाँ पर खेल तो हर पूरा उल्टा ही है, यहाँ पर तो सत्ता ही डील कर रही है और ऑफर दे रही है, या तो आप हमारी रणनीति का साथ खड़े हो जाइए अन्यथा आप जेल के भीतर जाने के लिए तैयार रहिए, ठुकराइएगा तो जेल में आपको डाल दिया जाएगा। अब यहां पर आखिरी के दो तीन बातें, क्या इस समय में सच में क्या सत्ता को इस बात का एहसास है कि वो हार सकती है? अगर ऐसा कुछ लगने लगा है, अगर वो डील की दिशा में शक्ल में आगे बढ़ चुका है, तो क्या विपक्ष को यह बात साफ स्पष्ट है कि कुछ भी हो जाए वो चुनाव जीतेगी नहीं? क्योंकि सियासी तौर पर 2024 का लोकसभा चुनाव शायद इसी मायने में बहुत ही महत्वपूर्ण हो चला है, क्योंकि विपक्ष अगर इस बात को मान चुकी है कि यह चुनाव जीत गई है भारतीय जनता पार्टी और इस चुनाव का मतलब सिर्फ अपनी राजनीतिक जमीन को बचा लेना भर ही है, तो ऐसे में आप भूल जाइए कि इंडिया नाम की कोई चीज गठबंधन के तौर पर कभी उभरी भी थी। क्योंकि हर कोई अगर अपने आने वाले समय में अपने अनुकूल राजनीति को देख समझ रहा है तो उसका मतलब बहुत साफ होता है कि जब तक इस भारत देश के भीतर भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी अस्त नहीं होते हैं तब तक उदय किसी भी छत्रक का सहयोगी का नहीं होगा। तो क्या लड़ाई अभी 2024 भर की ही नहीं लड़ी जा रही है, ये लड़ाई क्या 2029 या 34 की लड़ाई है? क्या अखिलेश यादव 2027 की लड़ाई लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश के भीतर? क्या बिहार के तेजस्वी यादव की लड़ाई अब यहां से शुरू हुई है 2025 को लेकर के? क्या महाराष्ट्र में शरद पवार आने वाले समय में 2024 के भीतर विधानसभा चुनाव की लड़ाई के लिए तैयारी किए कर रहे हैं? सियासी तौर पर ये सारे की सारी प्रक्रिया के भीतर एक सवाल बार बार जिक्र होगा कि क्या हर सहयोगी दल की अपनी राजनीतिक जमीन 2024 के चुनाव में कहीं फिट बैठती ही नहीं? अगर ये मैसेज दिया जा चुका है कि आपकी राजनीतिक जमीन तभी बचेगी जब 2024 का चुनाव आप हार जाएं या हारने के लिए सत्ता के अनुकूल ही खड़े हो जाए, या इस दौर में कांग्रेस का परसेप्शन किसी भी हालत में 55 सीट का भी न बन पाए जहां पर वह 10% सीट जीते और विपक्ष का नेता उसका हो जाए, इसीलिए ममता बनर्जी कहते हैं कि आप 40 भी नहीं जीत सकते हैं। वही दूसरी ओर चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार हो, यहाँ पर गठबंधन के साथी कहते हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा 10 सीट ही दी जा सकती है, 15 दी जा सकती है, उसके बाद नहीं दी जा सकती। तो गठबंधन के भीतर की पूरा गांठ जो है वर्तमान नियम कायदों को राजनीतिक तौर पर अगर बदल ही चुकी है तो 2024 के लोकसभा चुनाव का मतलब बचेगा ही क्या? और सियासी तौर पर सवाल भारतीय जनता पार्टी से टकराता हुआ विपक्ष नहीं है, बल्कि विपक्षी आपस में टकराते हुए 2024 के लोकसभा चुनाव में अपनी ही हार की इबादत कहीं लिख तो नहीं डाला है, अन्यथा जेल तो सबका तय है। क्या ये परिस्थिति इस भारत देश में आ चुकी है? आप इस बात को मानिए ना मानिए, लेकिन राजनीतिक तौर पर यह परिस्थिति चल पड़ी है। एक एक करके एक एक बात अगले 2 महीने के भीतर आपके आंखों के सामने होगा। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।